हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर। यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से डीप वाटर के क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन थिंक एज यू रीड जो चैप्टर के बिटवीन में दिए हुए हैं वो है। इसके बाद हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। वो कौन सा मिस एडवेंचर यानी कि वो कौन सी दुर्घटना थी जिसके बारे में विलियम डगलस अनुभव करते हैं, हमें बताते हैं। विलियम डगलस हैड जस्ट लर्न स्विमिंग। विलियम डगलस ने ठीक उसी समय ही स्विमिंग सीखा था कि वन डे एन 18 ईयर्स ओल्ड बॉय पिक्ड हिम अप एंड टॉस्ड हिम इनटू द YMCA पूल। तो एक 18 ईयर्स के बॉय ने, जैसे उन्होंने उसी समय ही उसी दौरान स्विमिंग करना सीखा ही था, कि एक 18 ईयर्स के बॉय ने उन्हें YMCA के पूल में उठाकर, सिटिंग पोजीशन में वो बैठे हुए थे पूल के पास, और उसी पोजीशन में उठाकर उन्हें पूल के अंदर फेंक दिया था एक 18 ईयर के बॉय ने। ही स्वेलोड वाटर एंड वेंट एट वंस एट द बॉटम। उन्होंने वाटर को स्वेलो कर लिया यानी कि निगल लिया और बॉटम पर नीचे पहुंच गए। ही नियरली डाइड इन दिस मिस एडवेंचर। और इस दुर्घटना में वो लगभग मरने की कगार पे ही आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट वर द सीरियस ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस। वे कौन से इमोशन थे, वो कौन सा डर था जो डगलस ने एक्सपीरियंस किया था। When he was thrown into the pool, जब उनको पूल में फेंक दिया गया था, what plans did he make to come to the surface? और सरफेस तक आने के लिए उन्होंने कौन सी प्लानिंग की थी, कैसे प्लान किया था कि मैं बच जाऊं। Douglas was frightened when he was thrown into the pool. डगलस बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे जब उन्हें पूल में फेंक दिया गया था। However, he was not frightened out of his wits. फिर भी उन्होंने अपने wits को नहीं खोया था। While sinking, he made a plan. जब वे डूब रहे थे तो उन्होंने एक प्लान किया था। He would make a big jump and come to the surface when his feet hit the bottom. वो उन्होंने सोचा था कि जैसे ही मैं बॉटम पे पहुंचूंगा तो मैं बहुत बड़ी सी जंप लगाकर पूल के सरफेस तक आ जाऊंगा। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। इस एक्सपीरियंस से डगलस कैसे प्रभावित हुए, या इस एक्सपीरियंस ने डगलस को कैसे प्रभावित किया, या हिम की जगह स्टूडेंट विलियम डगलस का नेम भी आ सकता है आपके क्वेश्चन में। तो दिस एक्सपीरियंस, कौन से एक्सपीरियंस की बात हो रही है, कि जब वो पानी में फेंक दिए गए थे तो उसके बाद उन्होंने कैसा प्रभाव फील किया था, कैसे वो प्रभावित हुए थे और उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया था। तो दिस एक्सपीरियंस हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन डगलस। इस एक्सपीरियंस से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल। और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वे कभी भी पूल के पास भी नहीं जाएंगे। ही फियर्ड वाटर, पानी से वो बहुत ज्यादा डरने लगे थे। ही अवॉइडेड इट वेन एवर ही कुड, और जितना हो सकता था वे पानी में जाने से अवॉइड करते थे। वेन एवर ही ट्राइड टू गेट क्लोज टू वॉटर द टेरर दैट हैड सीज्ड हिम इन द पूल वुड कम बैक। और जब कभी भी वो कोशिश भी करते थे पानी के पास जाने की, तो वो भय, कौन सा भय, पानी का जो डर जो जब उन्हें एक 18 ईयर के बॉय ने पानी में पूल में फेंक दिया था, तो वो डर उनको सीज यानी कि उनको जकड़ देता था पूल में जाने से, और वो वहीं से वापस आ जाते थे, अर्थात वे पानी में जाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। विलियम डगलस पानी के डर, जो पानी का उनका डर था, भय था, उसको वो ओवरकम क्यों करना चाहते थे, उससे बाहर वो क्यों निकलना चाहते थे, अर्थात पानी के डर से वो क्यों भागना चाहते थे। तो डगलस लाइफ हैड बिकम हेल बिकॉज ऑफ हिज वाटर फियर। तो जो विलियम डगलस है उनका जीवन बिल्कुल हेल यानी कि नरक की तरह हो गया था, क्योंकि वो पानी से बिल्कुल बहुत ज्यादा डरते थे। ही सॉ हिज फ्रेंड एंजॉयिंग स्विमिंग, बोटिंग, वाटर पार्क्स एक्सेट्रा। जब भी वे देखते थे कि अदर बॉयज जो हैं या उनके फ्रेंड्स हैं वो पानी में जाके बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, स्विमिंग करते हैं, बोटिंग करते हैं, वाटर पार्क्स में जाते हैं। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू लीड अ चीयरफुल लाइफ हिज फ्रेंड। तो वो भी चीयरफुल लाइफ जीना चाहते थे। कैसी लाइफ, जैसे उनके फ्रेंड्स जीते थे, अर्थात वो भी स्विमिंग करना चाहते थे। सो डगलस वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। इसीलिए उन्होंने कोशिश करी कि मैं पानी के डर को हरा दूं, पानी के डर को भगा दूं, एंड फॉर दिस
और इसके लिए ही हायर्ड अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। इसलिए उन्होंने अपने लिए एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हायर किया, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर जो उन्हें स्विमिंग सिखाते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। तो इंस्ट्रक्टर ने डगलस को किस प्रकार से बहुत ही अच्छा स्विमर बना दिया था। द इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस। तो टुकड़ों टुकड़ों में इंस्ट्रक्टर ने उनको स्विमर बनाया था विलियम डगलस को। फॉर 3 मंथ्स ही हेल्ड हिम हाई ऑन अ रोप। और 3 महीने तक उन्होंने क्या किया, रोप के जैसे जैसे पुले बांधा जाते हैं ना, तो अपने एक रोप का सिरा अपनी बेल्ट के साथ बांध दिया और एक जो उनके वेस्ट पे लगाई थी बेल्ट, इंस्ट्रक्टर ने विलियम डगलस की वेस्ट के पे बेल्ट लगाई थी, उसके साथ एक सिरा उन्होंने रोप का बांध दिया जिससे कि वो डूबने से बचे और स्विमिंग करना अच्छे से सीखे। अटैच टू हिज बेल्ट, उनके बेल्ट के साथ उन्होंने अटैच कर दिया था। ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। और उसके बाद उन्होंने उसको पूल में उतारा था विलियम डगलस को इंस्ट्रक्टर ने। पैनिक सीज द ऑथर एवरी टाइम, लेकिन वो जो भय था वो हर समय ऑथर को जकड़े रखता था। द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वॉटर एंड एक्सहेल एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल। तो इंस्ट्रक्टर ने उन्हें पढ़ाया था, बताया था कि किस प्रकार से तुम्हें पानी के अंदर अपना फेस ले जाना है और इनहेल और एक्सहेल करना है, यानी कि सांस अंदर लेना सांस बाहर छोड़ना किस प्रकार से इसको करना है, वो सब इंस्ट्रक्टर ने उन्हें बताया था। देन डगलस हैज टू किक विद हिज लेग फॉर मेनी वीक्स टिल दीज रिलैक्स। तो इसके लिए काफी वीक लग गए थे डगलस को सीखने में और उसके बाद वो बिल्कुल रिलैक्स हो गए थे, अर्थात स्विमिंग करना वो सीख गए थे आफ्टर 7 मंथ। और 7 मंथ के बाद अक्टूबर में उन्होंने ज्वाइन किया था और अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक वो बहुत अच्छे स्विमर बन गए थे। द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। और इंस्ट्रक्टर के बताए के अनुसार उन्होंने पूरी लेंथ जो पूल की पूरी लेंथ का चक्कर काट लिया था। तो कितने मंथ लगते थे इसको पूरा कवर करने में, अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर। विलियम डगलस कैसे श्योर हो गए थे कि उन्होंने उस टेरर यानी कि उस डर से वो जीत गए हैं, कॉन्कर वो जीत गए हैं। टू मेक श्योर ही हैड कॉन्कर्ड फियर, इस बात की श्योरिटी करने के लिए कि वो बिल्कुल उससे भय को जीत चुके हैं, डगलस वेंट टू द लेक वेंट वर्ड इन न्यू हेम्सफियर एंड स्वान 2 miles across the lake। और फिर उन्होंने इस बात को पक्का करने के लिए कि हाँ उस टेरर को वो बिल्कुल हरा दिया है, उस टेरर को उस डर से वो बिल्कुल निकल चुके हैं, तो वो हेम्सफेयर के एक स्विमिंग पूल में गए थे और वहाँ उन्होंने 2 miles तक लेक में स्विमिंग की थी। ओनली वंस व्हेन ही वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक डिड द टेरर रिटर्न। एक बार जब वो लेक के बीच में थे स्विमिंग करते हुए, एक सिरे से दूसरे सिरे पे उन्होंने जाना था और जब वो बीच में थे तो वही टेरर वही भय उनके पास दोबारा से वापस आ जाता है। ही कॉन्फ्रेंटेड इट एंड स्वम ऑन, और उसको उन्होंने भगा दिया, उस डर को हटाकर उन्होंने स्विमिंग की। ही देन स्वैम अक्रॉस वार्म लेक टू द अदर शोर एंड बैक। तो उन्होंने वार्म लेक, एक लेक का नाम था, तो उन्होंने वार्म लेक में स्विमिंग करी, उसके एक शोर एक किनारे से जाकर वहीं पर पूरी लेक का चक्कर काटते हुए वहीं पर वापस आए थे। Thus he was sure of conquered his fear of water। तो इस प्रकार से वो वाटर के भय को जीत गए थे, अर्थात उन्होंने वाटर के डर को बिल्कुल हरा दिया था। इस प्रकार विलियम डगलस एक परफेक्ट स्विमर बन गए थे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इसी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को कवर करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट हम चैप्टर की समरी, एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कवर कर चुके हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाउ डज डगलस मेक क्लियर टू द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्राउन्ड। डिस्क्राइब द डिटेल्स दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन विविड। विलियम डगलस ने रीडर से अर्थात हमसे ये क्लियर किया है कि जब वो ऑलमोस्ट डूब ही चुके थे पानी में तो डर ने उन्हें किस प्रकार जकड़ लिया था। डगलस डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस व्हेन ही हैड क्लोज ब्रश विद डेथ एट द YMCA स्विमिंग पूल इन याकिमा।
जब विलियम डगलस YMCA के स्विमिंग पूल में लगभग डूब ही चुके थे तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमें डिस्क्राइब किया है कि एज इट अ फर्स्ट पर्सन अकाउंट ही हैज डिस्क्राइब्ड इट डीपली। ये फर्स्ट पर्सन है, ये ही है, विलियम डगलस ही है जो डूबते डूबते बचे थे, अर्थात बिल्कुल मरने की सिचुएशन पे आ गए थे, और तो उन्होंने इस बात को कैसे डीपली डिस्क्राइब किया है, बताया अपने रीडर्स को, द इमोशनल मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रगल एंड द पैरालाइजिंग फियर ऑफ ड्रॉनिंग हैव बीन डिस्कस्ड इन डिटेल। और उन्होंने इस स्टोरी में अपने रीडर्स को इमोशनल मेंटल फिजिकल स्ट्रगल सारी बताई हैं जो उन्होंने फेस की थी डूबते समय, और पैरालाइजिंग फियर भी, यानी कि जो उनकी टांगे हैं बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी, पैरालाइज टाइप का हो गया था उनकी टांगों में जब वे डूब रहे थे। तो इस बात को उन्होंने पूरी डिटेल में डिस्कस किया है चैप्टर में, व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द पूल बाय 18 इयर्स बॉय। ये सब तब की घटना है जब एक 18 इयर्स के बॉय ने विलियम डगलस को उठा के स्विमिंग पूल में फेंक दिया था। डगलस रिटेन्ड हिज इंटेलिजेंस एंड हैड ए प्लान टू कम टू द सरफेस। तो डगलस को जब फेंक दिया था पानी में 18 इयर्स के बॉय ने, तो उन्होंने अपना आपा नहीं खोया था, अर्थात उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस नहीं खोई थी, और उन्होंने सोचा था कि मैं सरफेस पे वापस आ जाऊंगा, एक बड़ी सी जंप, बॉटम पे जाऊंगा, बड़ी सी जंप लगा के सरफेस तक आ जाऊंगा और पैडल करते हुए स्विमिंग पूल के एज तक पहुंच जाऊंगा। ही ट्राइड इट बट इट डिड नॉट वर्क एंड आफ्टर अ फ्यू ट्रायल्स टू सेव हिज लाइफ डेथ ड्रॉन अपॉन हिम। लेकिन उन्होंने ये सब कोशिश भी कही पर वो ऐसा नहीं कर पाए, और वे बहुत सारे ट्रायल करने के बाद वो डेथ की सिचुएशन पर आ गए थे। ऑल दिस डिटेल मेक द डिस्क्रिप्शन विविड। इस पूरी डिटेल को इस चैप्टर में हमारे ऑथर ने, विलियम डगलस ने, डिस्क्राइब किया है। Now we come on question number 2. Why was Douglas determined to get over his fear of water? पानी के डर को विलियम डगलस ने किस प्रकार से भगा दिया था, डिस्क्राइब करना है यहाँ पे। तो डगलस लाइफ हैड बिकम हेल बिकॉज ऑफ हिज वाटर फियर। जो डगलस की लाइफ थी वो बिल्कुल नरक की तरह हो गई थी क्योंकि वो पानी से इतना ज्यादा डरने लग गए थे। ही सॉ हिज फ्रेंड एंजॉयिंग स्विमिंग, बोटिंग, वाटर पार्क एक्सेट्रा। वे देखते थे कि जो उनके अदर फ्रेंड्स हैं वो एंजॉय करते हैं स्विमिंग में, बोटिंग में, अदर वाटर पार्क्स में भी जाते हैं। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू लीड अ चीयरफुल लाइफ हिज फ्रेंड। तो वैसी वो लाइफ जीना चाहते थे जैसे उनके फ्रेंड्स जीते थे। सो डगलस वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर एंड फॉर दिस ही हायर्ड अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। और डगलस जो थे वो चाहते थे कि वे पानी को डर को भगा देंगे, और इसीलिए उन्होंने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को भी हायर किया था और उन्होंने उनके द्वारा स्विमिंग सीखी थी। Why does Douglas as an adult recount a childhood experience of terror and his conquering of it? What larger meaning does he draw from his experience? William Douglas अपने बचपन के डर को किस प्रकार से, अर्थात जो पानी से वो बचपन से ही डर गए थे, उसको किस प्रकार से हराना चाहते थे, क्यों हरा देना चाहते थे, और व्हाट लार्जर मीनिंग डज ही ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, और इस एक्सपीरियंस के थ्रू वे किस प्रकार उन्होंने दिखाया कि उन्होंने पानी के डर को हरा दिया। इन डीप वाटर विलियम डगलस गिव्स अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। डीप वाटर स्टोरी में विलियम डगलस ने अपने बचपन के डर के एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब किया है डिटेल में, सो दैट द रीडर गेट्स फैमिलियर विद द काइंड ऑफ फियर, जिससे ये जो सभी रीडर अर्थात जो हम हैं वो इनके जो पानी का डर था उससे फैमिलियर हो जाएं, अर्थात उनको सबको पता चल जाए कि वे किस प्रकार पानी से डरते थे और उन्होंने किस प्रकार पानी के डर को हरा दिया था, दैट ही हैड एज अ चाइल्ड। तो जब वे बच्चे थे तो उन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया था। ही कोट्स रूजवेल्ट, ऑल वी हैव टू फियर इटसेल्फ। तो उन्होंने रूजवेल्ट के कोट को यहाँ पे दर्शाया है कि किस प्रकार से सभी लोग पानी के डर से डरते हैं। ही ट्राइज टू ड्रॉ ए लार्जर मीनिंग फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, और इस एक्सपीरियंस के थ्रू उन्होंने एक
larger meaning bhi di hai. He wants to highlight the fact that life became meaningful and the desire to live grew intense once he had conquered his fear. We is fact ko highlight karna chahte hain कि जीवन को मीनिंगफुल और डिजायरफुल बनाने के लिए अर्थात जीने की इच्छा को बढ़ाने के लिए हमें अपने डर को जीतना होगा अर्थात हमें अपने डर को किसी भी डर को खत्म करना होगा। इसी के साथ स्टूडेंट हमारे सभी NCERT के सॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ यस प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।